हाँ सर जी, आपका नाम क्या है? नाम देव कुमार देशमुख, ग्राम रौना, तहसील अर्जुंदा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। ये कौन सी फसल है? धान। क्या डालें इसमें, इतना हरा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। मल्टीप्लायर। कब से डाल रहे हैं इसको? सेकंड बार है। तो गर्मी फसल में क्या रिजल्ट आया था इसका? गर्मी फसल में ठीक आया था, एकड़ में कम से कम 24 क्विंटल आया था। 24 क्विंटल आया था इसके डालने से। तो फिर इस समय कितने एकड़ में डाले हैं अभी? 2.5 एकड़ में डाले हैं इस समय। अभी बरसात के फसल में आप 2.5 एकड़ में डाले हैं, तो इसको डालने से आपको आपके अपने खेत में क्या फर्क आया है? नरम हुआ है जमीन। जमीन नरम हुआ है। धान की पैदावार भी ठीक। पैदावार मतलब धान का जो कंसा है वो कितने कंसे होंगे अभी? एक एक काड़ी लगाए थे कि ज़्यादा लगाए थे इसको? दो दो तीन दिन काड़ी लगाए थे। उसमें अभी कितना कंसा होगा अंदाजन? 15-20 कंसे होंगे अभी। और इसके अलावा और क्या मतलब कितने बार अभी दवाई डाले हैं इसमें? रासायनिक दवाई कितने बार डाले हैं अभी तक? सिर्फ एक बार डाले हैं। और ये कितने महीने की होगी फसल? 4 महीने। 4 महीने की होगी ये फसल, और इसमें सिर्फ एक बार अभी कीटनाशक डाले हैं, है ना? बाकी आप मल्टीप्लायर कितने बार डाले, कैसे डाले हैं? दो बार खाद में मिला के डाले हैं। एक बार स्प्रे किए हैं। तो खाद को मल्टीप्लायर डालने के समय खाद कम किए हैं कि नहीं किए हैं? कम किए हैं। कितना? 10 किलो बोरी में कम किए हैं। तो इसको रिजल्ट आपको अच्छा लग रहा है मल्टीप्लायर का? तो इसके बारे में आप अन्य किसानों को बताएंगे फिर? बताएंगे ना रिजल्ट अच्छा है करके। तो धान को देखने से ऐसा लग रहा है कि इस समय आपका उत्पादन बढ़ेगा, 24 क्विंटल से ज़्यादा होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।